डीआईजी पीर मोहम्मद शाह हैदराबाद रेंज, डीआईजी मीरपुर खास रेंज जुल्फकार मेहर और एसएसपी ने आईजीपी साहब सिंह का डीआईजीपी ऑफिस हैदराबाद रेंज पहुंचने पर उनका पुर्तगाल इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान आईजीपी सिंह जनाब गुलाम नबी मेमन साहब की जेर सदारत डीआईजीपी ऑफिस में कायम अब्बास कॉन्फ्रेंस हॉल में पुलिस का एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डीआईजीपी सैयद पीर मोहम्मद शाह हैदराबाद रेंज और डीआईजीपी मीरपुर खास रेंज जुल्फकार मेहर, सीपीएलसी चीफ मोहम्मद जुबैर हबीब, एसएसपी हैदराबाद अमजद शेख, एसएसपी टंडो लायर फारूक बजारानी, एसएसपी टंडो मोहम्मद खान आबिद बलोच, एसएसपी बदीन शाहनवाज चाचड़, एसएसपी ठट्ठा अदिल हुसैन चांदियो, एसएसपी सुजावल सैयद इमदाद अली शाह, एसएसपी मटियारी मोहम्मद कली मलिक, एसएसपी उमरकोट एजाज अहमद शेख, एसएसपी मिट्टी थर पारकर, सरदार हसन न्याजी, एसएसपी मीरपुर खास रिटायर्ड कैप्टन चौधरी असद अली, एसएसपी स्पेशल ब्रांच सैयद आमिर अब्बास शाह, एसएसपी ट्रैफिक अलहाज मुख्तार सोलंगी, एएसपी बल्दिया हसन वारिस ने शिरकत की। डीआईजीपी हैदराबाद रेंज ने आईजीपी सिंध को बारिश सैलाब से मुतासरा अफराद के हवाले से पुलिस की जानिब से रेस्क्यू रिलीफ वर्क हिफाजती अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग देते हुए हैदराबाद रेंज में बरसात व सैलाब के दौरान दरपेश चैलेंजेस का जिक्र किया। डीआईजीपी हैदराबाद रेंज ने दौरान ब्रीफिंग बताया कि जिले दादू का 80% हिस्सा बुरी तरह मुतासर हुआ है। जामशरो के 12 पुलिस स्टेशन सैलाब से जेर आब आ चुके हैं। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ अमल पुलिस व्हीकल्स मुतासर हुई हैं, जबकि हैदराबाद रेंज में थाना जात पुलिस पोस्टें मुख्तलिफ पुलिस बिल्डिंग्स भी सैलाब की तबाहकारियों का शिकार हुई हैं।